जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर। जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, जो प्रतिदिन थाली में रखकर, बाटकी में रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्नान कराकर वो जल को ले जाकर अपने घर के बगीचे में डालता है, उसके घर के अंदर काल भी, जो अकाल मृत्यु आने वाली रहती है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला रहता है, कोई की अचानक अटैक से मृत्यु होने वाली होती है, मात्र शंकर के स्नान का जल घर के बाहर के बगीचे पेड़ पौधे में ही डाल देने से वो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ये शिव शक्ति, ये शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत आदि आदि तत्वों को आप श्रवण तो करें पुराणों। कितना सुंदर सुंदर भाव उसमें वर्णित किया गया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।